E3 की सबसे ज़्यादा लीक्ड और सबसे ज़्यादा अवेटेड गेम असैसिन क्रीड ओडिसी किसी भी एंगल से एक असैसिन गेम नहीं है। असैसिन क्रीड एक ऐसी फ्रेंचाइज थी जिसे खेलकर मैं बड़ा हुआ और यूबीसॉफ्ट का फैन बना, पर आफ्टर 3-4 गुड गेम्स ये फ्रेंचाइज हर ईयर सेम गेम लॉन्च करने लग पड़ी और हर ईयर गेम्स की क्वालिटी डिक्रीज होने लग पड़ी। ना ही केवल हर गेम लास्ट गेम का क्लोन फील होती थी, बल्कि हर गेम स्टोरी वाइज एक्सट्रीमली बोरिंग होती थी। और जब मुझे लगा कि असैसिन क्रीड अब एक डेड फ्रेंचाइज में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी आउट ऑफ नोवेयर यूबीसॉफ्ट ने एक मास्टरपीस को लॉन्च किया जो कि था असैसिन क्रीड ओरिजिन्स। इस गेम ने मेरा भरोसा इस फ्रेंचाइज पर दोबारा से बना दिया और मुझे ये प्रूव करके दिखाया कि असैसिन क्रीड इज़ फार फ्रॉम ओवर। पर जैसे ही मैंने एक राहत भरी सांस ली, तभी हमें ओडिसी के लीक्स देखने को मिलना शुरू हो गए। अब एज अ डाई हार्ड फैन मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि असैसिन क्रीड अब दोबारा से एक ईयरली फ्रेंचाइज बनने लगी है। और जैसा कि आप मेरी पिछली असैसिन क्रीड वाली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली ये कहा है कि असैसिन क्रीड ओरिजिन्स इज वॉज एंड ऑलवेज विल बी अ ग्रेट गेम बिकॉज गुड थिंग्स टेक टाइम। पर कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए सीना चोरी से नहीं, और कुछ ऐसा ही हुआ है। यूबीसॉफ्ट फिर से अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पर आ चुकी है और इस फ्रेंचाइज को एक ईयरली फ्रेंचाइज बना रही है। अब आपको लगता है कि बस मुझे यही प्रॉब्लम्स हैं इस फ्रेंचाइज से, तो अभी आपने देखा ही क्या। जो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है वो ये नहीं थी, बल्कि वो तो एक सीरियस इशू है विच कैन आइदर मेक और ब्रेक द फ्यूचर ऑफ असैसिन क्रीड ओडिसी और असैसिन क्रीड फ्रेंचाइज एज अ होल। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, शैल वी। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है असैसिन क्रीड ओडिसी इटसेल्फ। यस, यू हर्ड इट राइट, असैसिन क्रीड ओडिसी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है असैसिन क्रीड ओडिसी की। आई मीन, वेयर द हेल आर माय असैसिन्स जिनके साथ मैं बड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल, आप ये 30 सेकंड का गेम प्ले ही देख लो और जरा सोचें कि ये गेम किस एंगल से असैसिन क्रीड गेम है। ना तो इस कैरेक्टर की स्पेशलिटी स्टेल्थ किलिंग है, ना ही इस कैरेक्टर के पास अपना हुड है, और ना ही इस कैरेक्टर के पास लेजेंडरी हिडन ब्लेड है। ऊपर से यूबीसॉफ्ट के डेवलपर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि ओडिसी विल बी अ फुली फंक्शनल आरपीजी। कुछ समझे? रुको, समझाता हूँ। इस छोटी सी स्टेटमेंट से यह साफ हो चुका है कि दे आर ट्राइंग टू मेक अ विचर 3 क्लोन। एक तो पहले ही उन्होंने विचर 3 से इंस्पायर होकर असैसिन क्रीड ओरिजिन्स बनाई, और अब असैसिन क्रीड को विचर 3 बना रहे हैं। आई मीन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। इस फ्रेंचाइज का एक फुल ब्लोन आरपीजी होना कभी भी पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि असैसिन क्रीड में हम अपने एंसेस्टर्स के डीएनए के द्वारा पास्ट की मेमोरीज को एक्सप्लोर करते हैं, फील करते हैं और स्टडी करते हैं, ना कि रीराइट करते हैं। और इस गेम का आरपीजी होना मतलब एवरी एक्शन विल हैव इट्स इक्वल रिएक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि हम हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। असैसिन क्रीड ओरिजिन्स को द स्टार्ट ऑफ ब्रदरहुड बताया गया है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इससे 400 साल पहले भी कोई असैसिन क्रीड एग्जिस्ट कर सकती है। आई मीन, जब असैसिन ओडिसी के 400 ईयर्स के बाद बने ओरिजिन्स के इवेंट्स के टाइम, तो इस गेम में हम किसके साथ खेलेंगे? घंटे के साथ। अब एक थ्योरी तो ये कहती है कि इस गेम में हम टेम्पलर्स खेलेंगे और टेम्पलर्स के ओरिजिन्स के बारे में जानेंगे। चलो इस बात को कुछ देर के लिए मान भी लें, पर फिर भी हिस्ट्री वाली प्रॉब्लम्स को कोई कैसे सॉल्व करेगा? देखो, सीधी सी बात ये कहूँगा कि ये गेम दिखने में काफ़ी एपिक नज़र आती है और काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, और सच कहूँ तो इस गेम को देखकर एक ऐसी गट फीलिंग आती है कि ये एक ग्रेट गेम होगी, और मुझे इसके ग्रेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस बात से कि आखिर इस गेम के साथ असैसिन वर्ड यूज़ क्यों किया गया है, और इस गेम को एक अलग आईपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। असैसिन क्रीड वर्ड का एक नॉन असैसिन क्रीड गेम के साथ होना बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है हमारी इस प्यारी फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि असैसिन क्रीड सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये है एक इमोशन, एक ऐसा इमोशन जिसको मैं बचपन से खेलता खेलता बड़ा हुआ हूँ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस फ्रेंचाइज को बचाने के लिए, तो अभी कमेंट सेक्शन में
हैशटैग नॉट माई असैसिन्स क्रीड का यूज़ कर कर अपने व्यूज बताएं और कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करें। ये हैशटैग जिस तरह रैंक करेगा सो मे बी इन अ मिलियन पॉसिबिलिटीज यूबीसॉफ्ट को ये वीडियो नजर आ जाए या यूबीसॉफ्ट को ये हैशटैग ट्रेंडिंग में नजर आए और वो इस टॉपिक पर थोड़ी सी नजर डालें और यूबीसॉफ्ट को ये समझ आए कि वी लव दिस फ्रेंचाइज एंड वी डोंट वांट इट टू बिकम अनदर प्रिंस ऑफ पर्शिया। एवरीबॉडी नोस यू हैव बीन डिस्क्रीट बट देयर वर सो मेनी पीपल यू जस्ट हैड टू मीट विदाउट योर क्लोथ्स। एवरीबॉडी नोस Everybody knows, everybody knows.